अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एक बार फिर संसद में टूटी मर्यादाएं, पहले ही दिन जमकर सांसदों ने की मनमानी, 3 तलाक बिल को लेकर जमकर हुआ हंगामा, स्पीकर को सिखाना पड़ा मर्यादा का पाठ, स्पीकर की गुजारिश पर भी नहीं माने सांसद, लोकसभा सत्र का आगाज हो गया, सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों ने बैठकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा किया, जिससे स्पीकर ओम बिरला खासे गुस्से में दिखाई दिए। हंगामा तब शुरू हुआ जब कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 3 तलाक बिल पर बोलना शुरू किया, जिसके बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल पर सवाल उठाए। इस मौके पर स्पीकर ओम बिरला ने तमाम हिदायतें भी दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने चेयर से खड़े होकर सांसदों को जमकर फटकार लगाई। माननीय सदस्यगण, आप बैठिए। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय को आप संपूर्ण जवाब देने दीजिए। आपको कोई बात इंक्वायरी करनी तो फिर जवाब देंगे आपका, लेकिन आप बीच में डिस्टर्बेंस मत करिए। स्पीकर ओम बिरला के समझाने पर भी सदन में विपक्ष की तरफ से हंगामा होता रहा। इस बीच कानून मंत्री को कई बार अपनी बात रोकनी पड़ी, लेकिन फिर भी विपक्ष ने हंगामा नहीं रोका तो स्पीकर ने क्या कहा, जरा सुनिए। माननीय सदस्यों से फिर आग्रह कर रहा हूं, मैं आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लीजिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन नियम प्रक्रिया से चलता है और हम जब सदन में बैठे हैं तो सदन की गरिमा बनाने का काम हम सबका है। हम माननीय सदस्य एक टेबल पर जाकर दूसरे से बात कर रहे हैं, तीसरे टेबल जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। मैं 3 बार विधानसभा का सदस्य भी रहा हूं, 1 बार लोकसभा का सदस्य भी रहा हूं। विधानसभा के अंदर भी जब आसन पेड़ पे खड़ा होता है तो कोई माननीय सदस्य खड़ा नहीं होता। हमारे सदन की गरिमा बनाने का दायित्व। सदन में हर बार यही देखने को मिलता है, जनता जिन सांसदों को सदन में अपने हक और विकास के लिए फैसला लेने के लिए चुनकर भेजती है, वही सांसद सदन में जब इस तरीके से हंगामा करते हैं तो सदन की गरिमा तो तार तार होती ही है, साथ ही सांसदों की छवि पर भी सवाल उठते हैं। इस बात को स्पीकर ओम बिरला ने सदन में खड़े होकर सांसदों को समझाया और साफ तौर पर संकेत दिया कि अगर हंगामा होता है तो वो गुस्से का भी इजहार कर सकते हैं और सांसदों के प्रति सख्त रवैया भी अपना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।